दोस्तों, मैं आपका भाई मिथुन। आज आप लोगों के भारत के ऐसे अमीर व्यक्तियों के नाम बताएंगे जो आप लोग देख चौंक जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी क्यों। के 213 बिलियन डॉलर के मालिक जाने दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में। फोर्ब्स के द्वारा जारी लेटेस्ट लिस्ट के अनुसार टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति 213 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर बने हुए हैं। एलन मस्क 213 बिलियन डॉलर का मालिक है। आपको बताया जाए तो एलन मस्क आज के समय में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास कुल संपत्ति 213 बिलियन डॉलर है। इनका नाम 21 शताब्दी की सबसे क्रांतिकारी लोगों में आता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी कंपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है और फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक कारों का है। इसके अलावा इनकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स है, जो कि स्पेस यात्रा को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। और पार्ट को बताया जाए तो जेक बेजोस 197 बिलियन डॉलर का मालिक है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस इस वर्ष के मध्य तक पहले स्थान पर काबिज थे, लेकिन वर्तमान समय में वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति 197 बिलियन डॉलर है। अमेजन को इन्होंने साल 1994 में फाउंड किया था। शुरुआत में इनकी कंपनी सिर्फ किताबें बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और पार्ट थ्री, वर्नर अर्नॉल्ड 160 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। आपको बताया जाए बर्नार्ड अर्नॉल्ड इस लिस्ट में अब तीसरे स्थान पहुंच गए हैं। हालांकि वे इस साल पहले स्थान पर ही पहुंचे थे, लेकिन शेयरों में गिरावट के कारण इन्हें नुकसान हुआ। एक क्रेंच इन्वेस्टर और LMBH के चेयरमैन और CEO हैं। वर्तमान समय में इनकी कुल संपत्ति 160 बिलियन डॉलर है। LMBH एक लग्जरी ब्रांड है जो कि बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट जैसे कि घड़ी, कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम आदि बनाए जाते हैं। और पार्ट फोर, मार्क जुकरबर्ग 132 बिलियन डॉलर के मालिक है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मार्क जुकरबर्ग अभी कुल 132 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। इन्होंने फेसबुक को फरवरी 2004 में फाउंड किया था। इसके अलावा मार्क ने साल 2012 में इंस्टाग्राम और साल 2014 में व्हाट्सएप को अरबों की डील कर खरीद लिया, और आज ये इन सभी कंपनियों से अरबों कमा रहे हैं। पार्ट फाइव, बिल गेट्स 128 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। बिल गेट्स बारे में बताया जाए तो अमीरों की लिस्ट में अभी पांचवें स्थान बने हुए हैं। इनके पास अभी कुल संपत्ति 128 बिलियन डॉलर है, जो इन्हें दुनिया का पांचवा सबसे अमीर आदमी बनाता है। बिल गेट्स कोई पहचान की मोहताज नहीं है। कुछ साल पहले तक गेट्स बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। इनकी मुख्य आय का स्रोत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसके ये संस्थापक हैं। अन्य क्षेत्रों में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे रिटेल, साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग इत्यादि। पार्ट सिक्स, लैरी पेज 126 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल के संस्थापक लैरी पेज के पास इन समय कुल 126 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, जो इन्हें दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी बनाता है। गूगल ने साल 2006 में अरबों की डील कर यूट्यूब को खरीदा था। इसके अलावा गूगल ने अन्य कई सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी हैं, जिनसे इन्हें काफी कमाई होती है। पार्ट सेवन, सर्गे ब्रिन 121 बिलियन डॉलर मालिक है। सर्गे ब्रिन की बात की जाए तो एक गूगल के फाउंड करता था और अमीरों के लिस्ट में सातवें स्थान पर मौजूद है। इनकी कुल संपत्ति 121 बिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया का सातवां सबसे अमीर आदमी बनाता है। ब्रिन ने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल को दुनिया के दिग्गज कंपनी बनाया है। आज गूगल बहुत लंबे समय से दुनिया के टॉप सर्च इंजन कंपनी बनी हुई है। और पार्ट एट, लैरी एडिसन 106 बिलियन डॉलर। एक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल के मालिक लैरी एडिसन विश्व के आठवें सबसे अमीर व्यक्ति थे।
इनके पास कुल संपत्ति 106 बिलियन डॉलर है, जो इन्हें दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल करती है। इसके अलावा ये अमेरिका के 41वें सबसे बड़े आइलैंड के मालिक भी हैं। और आपको बताया जाए दोस्तों, तो पार्ट 9 स्टीव वाल्मर 105 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव वाल्मर की कुल संपत्ति 105 अरब डॉलर से ज्यादा है। और नए 9वें व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग संस्थापक लैरी एलिसन को इस साल नुकसान हुआ, लेकिन वे स्थान पर बने हुए हैं। वार्ड 10 वॉरेन बफेट 102 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। ये 10 सबसे अमीरों की लिस्ट में आता है और 10 सबसे धनी व्यक्ति है। इनका नाम दुनिया सबसे सफल इन्वेस्टर में आता है।